कई बार लगता है कि यार इंग्लिश वालों को ज़्यादा इज्जत मिल रही है भुवन के आपने वो देखे हो कभी इंस्टाग्राम पे जो वो एड्स करता है अपने oh, ब्रांड के तो वो हम लोग ही लिखते थे थोड़ा सा कंपटीशन का सेंस आता है तुम दोनों में शुभम और तुझ यार आ, हम तो ऐसे वीडियो में डील ना करते हम तो यही होता कि भैया आपने पच्चीस हमारे नाम कर दो आराम से चार वीडियो करवा लो

मैं बढ़िया यार। क्या काम कर रहा हो आजकल आजकल कुछ राइटिंग पे थोड़ा काम चल रहा है बाकी इंस्टाग्राम में तो हंसी मजाक करते ही रहते हैं बाकी तो, पर वो आपको हंसी मजाक करने में तो एक आध दिन नहीं करा कुछ नहीं करा लेकिन जब करना होता है तो फिर तो फटाफट से कुछ नहीं है आप सब इंप्रूव कर रहे हो अपना देखते आज कुछ आइडिया आ गया थोड़ा दिमाग लगाया कैमरा कोला बना दिया उसमें जो हटाना हटा दिया दिया बाकी डाल पर ये तो काफी कूल जॉब हो गई ना हाँ यार जब तक अच्छे से फनी रहना है और मुझे ही रहना है मैं नहीं इतना सोचता है क्योंकि तुम, ये बहुत प्रेशर है इस बात का। तुम अमीर हो बस <laughs> अमीर अमीर तो सोचता मैं नहीं चल रही दुकान तो नहीं चल रही ठीक है थोड़े बहुत खर्चा देखो इतना है नहीं

हाँ कई बार लोग हल्के में ले जाते हैं हम देखते हैं कोई और साथ में हमारे लोग वो बंदा फुल कर रहा है ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा यहाँ हम <laughs> एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कोई हो गया और हम लोग बोल देते हैं हाँ ठीक है भाई रुक जाएंगे तो फिर वो आप एक के साथ और रुक जाओ ओ मतलब तुम्हें ऐसे ट्विन शेयरिंग करा देता रूम मतलब बता रहा हूँ थोड़े बहुत मुझे लगता है कई बार करने भी चाहिए टैनड्रम

अब मैथ सब हिंदी में था मैं गया इलेवेथ ट्वेल्थ ले ली मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे लोगों ने कहा ले लो अच्छा है अब वो सब इंग्लिश में हो गया तो मेरे को समझ ही आना बंद बनता है पूरे इंडिया में पूरे इंडिया का तो पता नहीं दिल्ली में तो नहीं है यार तो है यार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था अब दो साल में मैं इतना पिछड़ गया मैं जैसे तैसे पास हुआ ये सच में हाँ यार

तो फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली बीएससी से अब बीएससी में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि मैं एमएससी कर सकूं तो मैंने देखा प्रोस्पेक्टस में जामिया गया मैंने देखा एक वो था कोर्स जिसमें था कि आपकी एलिजिबिलिटी है फोर्टी परसेंट ग्रेजुएशन पर तो मैंने कहा ये ठीक है तुम्हारे फोर्टी परसेंट आए मेरे फोर्टी फाइव आए थे तो उसका शायद फोर्टी फाइव ही था या फोर्टी था तो मैंने कहा था ठीक है यही कर लेता हूँ वो था डिप्लोमा इन टूरिज्म टूरिज्म मैनेजमेंट ऐसे कुछ फिर तुम क्या बनते तो मैं बनता टूर गाइड सही तो था यार ये करूंगा घूमूंगा तो ये, दवान ये ब, वाला बनी भी हो, हो सकता था तो हाँ है ना? सपना तो वही था यार थोड़ा हाँ, बन विदेश विदेश जाऊँगा चला जाऊंगा अच्छी जॉब तो क्या थी यार तूने करा फिर ये वाली जॉब नहीं मेरा कहीं मैंने ये खत्म किया फिर मैंने इंटरव्यूज दिए मेरी इंग्लिश शुरू से खराब थी यार

और बच्चे भी थे यार हाँ। इतने ख़राब होते ना मैं बताऊँ इंटरव्यू में हम लोग जा रहे थे इंटरव्यू देने में बैठा लेते थे, थे एक दो बच्चे जो उन्हें सही लगते थे स्मार्ट से उन्हें बुला के पूरे दिन काम कराते थे, थे ये फाइल कर दो उन्हें लगता था कि अब मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगा और शाम को बोलते थे विल गेट बैक टू यू ओहो कितनी जगह पे कराया उनसे वो काम लकीली मुझसे नहीं कराया शायद मुझे इतना स्मार्ट समझते नहीं थे वो तो मैं तो बैठ के आ जाता था फिर मैंने जब ग्रेजुएशन वो ख़त्म कर लिया फिर कहीं एक दो जगह जॉब के लिए ट्राई किया नहीं हुआ मैं थिएटर कर रहा था उस टाइम थिएटर भी ऐसे मज़े के लिए करता था सैटरडे हाँ. संडे जाता था और लोधी गार्डन में प्रैक्टिस होती थी वहाँ जाके ऐसे कोई भी थिएटर ग्रुप के साथ जाके नहीं एक थिएटर ग्रुप था वो डीयू अच्छा। के पास आउट बच्चे थे खाना बदोश नाम था उनका तो स... हाँ मैं डी का कौन से कॉलेज दयाल कॉलेज दयाल सिंह तो जब मेरे पास बहुत टाइम था करने के लिए तो मैंने देखा फेसबुक पे और मैं बड़ा शायद था तो मैंने खुद भी नहीं पूछा उनसे मेरे एक दोस्त ने कमेंट कर रखा था मैंने पूछा इनसे क्या बात हुई तेरी उसने कहा सैटरडे संडे प्रैक्टिस करते हैं चलेगा मैंने कहा चलते हैं यार मैं भी खाली रहती हूँ फेसबुक पे थिएटर ग्रुप है बस फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट किया हुआ था वो भी लोग नया शुरू कर रहे थे नुक्कड़ नाटक तैयार करते थे और सोशल इश्यूज पे जाके सड़कों पे करते थे। तो ये करते थे मजा आता था मुझे क्योंकि कुछ क्रांति लाने के लिए तो मुझे बड़ा मजा आने लगा क्योंकि मैं वहाँ जोक मारता था लोग हंसते थे एक नुक्कड़ नाटक करने ही गया था मैं रायबरेली वहाँ मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम लोग वो हमारे पास कैमरा इक्विपमेंट सब है तुम लोग टैलेंट हो तुम लोग लिखना एक्ट करना हम लोग साथ में कुछ करते थे आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे तो तो उनको देख के बड़ा मजा आता था था हमारा भी था कि हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे पता कुछ नहीं था पर तुम के, किसी भी इंसान ने तुम्हें बोला कि वीडियो बनाएंगे तुमने बोला यार उस जब उस एज में होते हैं ना तो कोई बंदा आके अगर आपको बोलता है और एक फोटो दिखाता है देखो मेरी फोटो अनुराग कश्यप के साथ है तो लगता है कि गॉड मिल गए

तो आ, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये मत करो वो मत करो उनका था कि ठीक है कर रहे हो तो अपने लिए करो सोच समझ के करो पढ़ाई करते रहो उनका यहा था कि मेन कंसर्न था पढ़ाई करते रहो पढ़ाई में कर ही रहा था जैसी तैसी कर रहा हूँ बोले तो हम लोग वहाँ गए हम लोगों ने तीन चार महीने तो कुछ कुछ प्लान किया ये करते हैं वो <coughs> करते हैं शूट भी किया नहीं डाला फिर लकीली ऑड इवन आया हमारे लिए बहुत लकी था इन्वायरमेंट के लिए पता नहीं था नहीं था तो ऑड इवन पर हमने एक वीडियो बनाया

तो फिर वो कभी वो नहीं हुआ की लड़ाइया नहीं हुई उस गैंग में लड़ाइया <laughs> कि तुम दोनों तो फेमस हो गए हाँ। बाक, हो बाकी लोग गया यार आ, ये उनकी आ, वो थी कि गलत चीज कि उन्हें लगता था कि हम दो फेमस हुए नाम वो चैनल फेमस हो रहा था तो हम फेमस होते तो वो चैनल चैनल भी नाम लेंगे लेंगे ना ले लेंगे ना ले नहीं नजर बट्टू ओके तो नजर बट्टू फेमस हो रहा था अब उनको ये लगता होगा इनसिक्योरिटीज थी कि ये लोग फेमस हो कहीं और चले जाएंगे ये हो जाएंगे हम क्यों जाते हमारा चैनल था तो फिर वो आपस में तुम्हारे पास पासवर्ड था चैनल का पासवर्ड वासवर्ड हम इतना सोचते नहीं थे यार हमें लगता था हमारा ही तो है लेकिन शायद और हम लोग इतना सोचते भी नहीं थे हमें बस मजा आ रहा था करने में नए नए पास आउट हुए थे पहली बार कुछ काम कर रहे थे उसमें मजा आ रहा था लोग मिल रहे तारीफे कर रहे थे अच्छे जिनको हम फॉलो करते थे जिनका काम देखते जैसे? थे TVF, AIB, उनके मैसेज आते थे तनमे का मैसेज आया कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग भुवन भाम से मिले उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया करो तो हमें तो इस चीज में मजा आ रहा था हाँ। हमारे दिमाग में कुछ नहीं था ऐसा उन लोग को लगता होगा कि इनके दिमाग में कुछ है तो वो थोड़ा सा उन लोगों को नहीं करते थे ना ये लोग कॉल यार बात तो उनसे ही होती थी लेकिन वही है की जब वो हमारा काम देख रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमसे ही ज्यादा बातें करेंगे तो उनको शायद ये इनसिक्योरिटी रहती हो कि हमें इतनी अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है तो था फिर थोड़ा बहुत <laughs> इसने ऐसे करा नहीं <laughs> है हाँ। तो फिर... थोड़ा बहुत फिर हो सकता है उनके दिमाग में शुभम ने छोड़ा फिर मैंने छोड़ा हाँ। थोड़ा टाइम पीरियड था क्योंकि कुछ था जिसकी वजह से मैं नहीं छोड़ पा रहा था कॉन्ट्रैक्ट पैसे हाँ जो नहीं मिले थे तब से स्कैम कह सकते हो मतलब तो फिर दोनों ने छोड़ा फिर हम लोग ने बट मुझे एक चीज़ चीज़ बताओ जैसे जब तुम छोड़ते हो ऐसा आगे का कोई प्लान था 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 कि कि क्या करेंगे? नहीं था। बस इतना पता कुछ तो तो कर लेंगे क्योंकि अपने ऊपर तो भरोसा ये ये हाँ। हमने बना ली। ये सब तुमने और मालिक समझते थे हम लोग पार्टनर बनेंगे

Hmm. तो इतना हम लोगों ने छोड़ दिया सोचा नहीं था कि क्या करेंगे। ये सोचा था की अब सब करेंगे hmm. तो हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हमको कहीं और अपना लग लग बनाया, तुम पहले बनाया था एक अच्छा। आ, सड़क छाप करके फिर मैं उस टाइम नजरबटू में ही था जब मैंने छोड़ा तो फिर हम दोनों साथ में हमने काम शुरू किया

के हो गया है। है। हाँ, सेल्फी हाँ। खींची आज पहली बार और इसमें तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह सब पहचान बहुत वायरल हो गई थी वो व्हाट्सएप तो पे ही लोग तो वही हमें भेज रहे थे क्या तुम हो और बड़ा ही सा इंटरव्यू था तो उन्हें लग रहा था कि सच में हमने कुछ इंटरव्यू दिया बस उनका ये था कि गाली क्यों दे रहे थे ऐसे बोलते गाली मत दो ऐसे नहीं नहीं Cool मैं जहां गाली <laughs> वाली होती है ना मैं उनको दिखाता भी नहीं okay. और वो जैसे मुझे इंग्लिश बोलने वाले बट तुम्हें क्या ऐसा लगता है की बिकॉज हमारी लैंग्वेज हिंदी है और तुम कॉन्टेंट <clears throat> हिंदी में बनाते हो तो उससे कुछ डिफरेंस होता है क्योंकि मुझे लगता है हिंदी बोलते हैं उनका कॉन्टेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है बट क्या ये कभी डिसएडवांटेज होती है तुम्हें तो यार वाइज uh, तो देखे तो ये मुझे एडवांटेज ही लगती है क्योंकि इंग्लिश सबको नहीं आती होगी लेकिन हिंदी मोस्टली सबको आती है मतलब मोस्टली तो नहीं हुँ. बहुत बड़ी लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको हिंदी हाँ, आती है हाँ. तो कंटेंट वाइज तो मुझे लगता है ज्यादा रीच है लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं एक इवेंट पे गए हो तो कई बार लगता है कि यार इंग्लिश वालों को ज्यादा इज्जत मिल रही है हमें उतनी नहीं मिल रही है

हाँ, हमेशा लगता है <laughs> <laughs> वो जिनको मिलता है उनको देख के लगता लगता है 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 कि कि इसको क्यों मिला है? और वही लगता कि कुछ तो गड़बड़ है बट <laughs> तुमने बहुत अपने कैरेक्टर्स भी बिल्ड करे जैसे नोएडा बॉय जो जो है है हाँ। या फिर जो वाली वीडियोस वो तुम्हारे पास आइडिया कैसे है या फिर वॉज इट लाइक बस आइडिया आया और तुमने लगा ये वायरल हो गया ये चलने लगा अब इसके और बना देते हैं अब मेन तो यही है कि आइडिया तो ये था कि जैसे नोएडा बॉयज हमने बनाया था कि हम लोग मैं क्योंकि मयूर विहार विनोद नगर रहता था तो वो काफी नोएडा से पास ही है और वो पूरा एरिया भी वैसा है कि मैं स्कूल जाता तो बहुत सारे बच्चे उधर से आते थे पढ़ने के लिए तो बचपन से वो माहौल देखा था, था। <laughs> तो वो एक कैरेक्टर दिमाग में थे पता नहीं था कि कभी ये करेंगे okay. वो करा लकीली फ़नी लगा लोगों को वो चल गया तो फिर सोचा कि और बनाते हैं okay. फिर हम लोग मैं और शुभम पुरानी दिल्ली बहुत जाते थे बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे तो हमने वहाँ के कैरेक्टर देखे कि वहाँ के लड़के कितने फ्री हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और चलते फिरते गालियाँ दे रहे हैं लोगों को खाम कहा ऐसे मज़ा आता है उनको

मजे के लिए हो जाता है लेकिन सिर्फ गालियों पे तो आप किसी को नहीं हंसा सकते तो गालियां पक्के नहीं हंसा सकते उसके लिए कंटेंट तो चाहिए तुम्हारे कोई मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए या फिर ऐसा वाला घर चाहिए यार आ, बहुत सारे हैं गोल्स तो जैसे लेकिन ऐसा मटेरियलिस्टिक ही चाहिए मुझे कि गाड़ी बंगला हाँ, गाड़ी बंगला तो है यार नहीं बट कौन सी गाड़ी कैसा घर कौन सी है सबसे महंगी गाड़ी गोल तो बड़ा रख सकते हैं कौन सी है? पास अभी कौन सी गाड़ी है? अभी तो तो मैं पोलो चलाता हूं. तो जैसे हर जो अब यूट्यूबर्स है जैसे प्राजक्ता है और भुवन है वो धीरे धीरे वेब सीरीज में भी जा रहे हैं तुम्हारे ऐसे तुमने वेब सीरीज में काम कर लिया तुम्हारे और क्या गोल्स है एक्टिंग में यार अब तो मुझे एक्टिंग ही करनी है

सीरीज आई थी एड की चौकपुर चीता करके एक आई के दौरान तीन चार साल पहले तो उसमें क्या था तब मेरे लिए वो बहुत नई थी क्योंकि तब मैं यूट्यूब करता था और मैं फर्स्ट टाइम एक बड़े सेट पे गया था तो मैंने देखा इतने लोग ऐसा क्रू सब टाइम पे हो रहा है हो रहा है तो वो मेरे लिए था कि यार हम तो बहुत ही हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हाँ, हम तो उल्टा मजाक सा ही कर रहे हैं तो वहां पे देख के मैं हिल गया था फिर मैंने सोचा था कि अब ऐसे ही काम करेंगे जैसे ये लोग तरीके से करते हैं बट बत मुझे बताओ कि अभी बहुत डिबेट हो रहा है कि बॉलीवुड ओटीटी वगैरह वगैरह क्या तुम्हारे, ना है, तुम्हारे ना है? यार है। okay ऐसा नहीं है मैं चाहता हूँ <coughs> दोनों करूँ मैं तो लेकिन अच्छा काम जहाँ मिल जाए क्योंकि मुझे आजकल थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर कर पाता है एक्टर खुद को बॉलीवुड का फिर भी अभी भी एक सेट फ्लो है क्या कहेंगे उसको कि वो उसके अंदर ही खेलते रहते हैं अभी भी ओ ने आके काफी फ्रीडम दे दिए अच्छे कॉन्सेप्ट चीजें बनने लगी हैं एक्टर्स लोग अपना खुल के दे पा रहे हैं <laughs> यार मतलब अपना खुल के परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं <laughs> तो वो है बॉलीवुड अभी मुझे लगता है कि वही लव स्टोरी और ये और वही सब में फंसा के करते कैसी लगी तुम्हें <laughs> भाई जो सब कह रहे हैं सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बोला अच्छे है अच्छे <laughs> हैं

ये ये नहीं बोल बोल सकता ना <laughs> <laughs> ये मैं बोल देती हूं। सबको बोला गया कि VFX बहुत अच्छी है स्टोरी VFX अच्छे है <coughs> हाँ, अच्छे हैं उसके यार और अगर वो बोलते तो फिर लोगों को तो तो दिया ही पर तुम्हें अच्छी नहीं लगी अच्छी, लगी। मुझे अच्छी लगे और स्टोरी लव स्टोरी अच्छे होते हैं और आलिया में तो अच्छी पिक्चर नहीं होती

मुझे नहीं आता क्योंकि <laughs> मुझे लगता है कि अपने हिस्से का तो हमें मिल ही जाए मिल ही रहा है और मिलेगा भी हुँ. अगर वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उस मुझसे ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा काम मिलेगा अगर मैं हूँ तो कहीं रुकाए तो मुझे भी मिल जाएगा हुँ. तो ऐसा कभी नहीं आता क्योंकि साथ में काम करना है ये सब रखेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे फिर वही हो जाएगा एक एनर्जी ख़राब हो गई हम कंटेंट नहीं बना पाएंगे तो अब चार पाँच साल से हम छः साल से ऑलमोस्ट हम साथ में काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज से मेरे को कोई फर्क पड़ता है और उसे तो पड़ेगा ही नहीं उसके फॉलोअर ज्यादा <laughs> और सलोनी की तुम दोनों से ज्यादा इस पे फर्क पड़ता है नहीं नहीं, नहीं। <laughs> क्योंकि वो तो अलग ही उसने अपनी मेहनत से कुछ किया है क्योंकि उसने बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उसके भाई फेमस थे तो उसने कोई हेल्प ली हो मुझे तो बाद में पता लगा था कि सलोनी जब वीडियो वायरल हो गई थी कि सलोनी भी कंटेंट बना रही है तो उसकी तो पूरी उसकी मेहनत है

क्रिएटर को देखूं तो मुझे तो बहुत ओवर एडिट लगे यार प्रजक्ता अच्छा हु इज द मोस्ट हॉटेस्ट क्रिएटर लड़की ऐसा मतलब मैं तो <laughs> बहुत सारे क्रिएटर देखता ना हूँ <laughs> 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 पर मुझे हॉटेस्ट क्रिएटर hmm. तो यार कौन है लड़कियाँ लड़कियों को नहीं देखते अब मुझे याद ही नहीं आ रही है कोई मैं ऑप्शन दे दूँ हाँ ऑप्शन एहसास चांदना सेजल कुमार दैट बो गर्ल अब बस तीन ही ऑप्शन है भाई है। अब तो कितने ऑप्शन दो इन तीनों में तो मैं फिर एहसास कहूंगा हॉट है ठीक है जितने लोगों ने एहसास आंसर करा आज तक वैसे शो पे उन्होंने कटवा दिया फिर एंड में जाके कॉल करके प्लीज काट देना कि हम एहसास को हॉट नहीं बुला सकते हमारी बहन जैसी मैं तो ऐसे मिला ना हूं खास पर हॉट है जब बहन बन जाएगी तो कटवा दूंगा अच्छा नोएडा बॉय अगर इन्फ्लुएंसर होता तो वो कितने पैसे लेता है एक वीडियो के हम तो ऐसे वीडियो में डील ना करते हम तो यही बता कि भैया आपने पच्चीस सौ चपलाट हमारे नाम कर दो <laughs> और हम हमसे चार वीडियो करवा लो नाइस ये बताओ कि अगर नोएडा बॉय को किल मैरी हुकअप करना होता ठीक है <laughs> करता है नोएडा <Noida> बॉय <laughs> ये सब तो किल तो जरूर कर देते <laughs> हुकअप <laughs> के लिए कोई राजी ना होती और अरे मैं ऑप्शन बता रही हूँ है? है। तो <laughs> <दिशापार्णी>। <laughs> क्या, <क्यारा ड़्वानी? laughs> मैरी करना <से। laughs> और किल करने को तो बहुत सारे लोग है मैंने दो ही ऑप्शन दिए इन तीनों में अच्छा इनको ही किल करना कर देगा क्या देखता तो किल uh, करना है तो फिर मैं कर दूंगा uh, hmm. दिशा को नहीं यार दिशा को मैं हुआ कर लूंगा फिर दिशा को किल <laughs> कर दूंगा मैं उसको आलिया को क्योंकि उसकी शादी भी हो गई अब तो हाँ तो अब नोएडा बॉय आई वॉन्ट आस्क हमारे चैनल को देखो भैया ऐसा मतलब इतने तो इंटरव्यू दिए हमने हम यहाँ बैठ के इतनी देर से बात कर रहे हैं मतलब इसमें मज़ा नहीं आया आपको मजा आया मैं इनसे कह रहा हूं, मजा तुम्हें तो भी आया होगा तो मजा तो आया तो ऐसा तो अपना की मैं तुमसे पच्चीस मांग लू तुम्हारा मैं तो यूँ कह रहा हूँ लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी इतने में तो कुछ जाएगा ना कमेंट भी कर देना और कर कमेंट कर दो एंगेजमेंट के लिए बढ़िया हो जाता है एंगेजमेंट तो शादी होती है ब्याह होता है वो भी हो जाएगी हाँ तो एंगेजमेंट कर दो